जोधपुर शहर में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमित मरीज आ रहे हैं। इन सब के बीच में ऐसी खबर सामने आई है जो जोधपुर वासियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल सरस डेयरी के 2 सप्लाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद करीब 200 कर्मचारियों की जाँच की गई, जिनमें से 13 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सूचना मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं लोगों में भी डर बैठ गया है। जरूरत के सामान की पूर्ति करने वाले लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सब्जी दूध बेचने वाले कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले कई दिनों से हमने सुपर स्प्रेडर के टेस्ट किए हैं। सुपर स्प्रेडर वो लोग हैं जो अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं अलग अलग सामान। बगवासिया मंडी में टेस्ट कराए, वेंडर्स जितने भी हैं, किराना स्टोर, कई लोग सैलून वाले, इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स और मिल्क सप्लाई वाले, इन सब के टेस्ट लगातार कराए जा रहे हैं। एक सरस डेयरी में टेस्ट कराए थे मैक्सिमम लोगों को, उसमें से 13 लोग कल पॉजिटिव हैं। वो 13 लोग ना तो सप्लाई से जुड़े हुए थे ना वो लोग प्रोडक्शन